जो आरोपित व्यक्ति है उन्होंने बार बार मेरे पर, मेरे परिवार पर हमला किया है, कई बार जानलेवा घटना हुई है और उसके FIR थाना बोराड़ा, आरई, सरवाड़ कई थानों में दर्ज है, जो मैंने और मेरे परिवार ने दर्ज करवाई है उसके मामले विचाराधीन है। और मैंने माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी, मुझे जान माल का गंभीर खतरा है, यहाँ का एक कुख्यात अपराधी जिनका नाम लेने से लोगों को डर लगता है, उस स्वयं ने मेरे घर जाकर के मुझे धमकी दी, उसकी FIR भी बोराड़ा थाने में मैंने दर्ज कराई थी। आज तक पुलिस ने केवल हमें मदद करने के बजाय थोड़ी हमारे से दूरी भी बना के रखी है। कांग्रेस नेता राम सिंह चौधरी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर डकैत धन सिंह से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। चौधरी ने बताया कि कुछ माफिया लोग अवैध खनन करते हैं और गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उनका जब हमारे द्वारा विरोध किया जाता है तो वे हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, इसलिए कुख्यात डकैत द्वारा जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इस संबंध में चौधरी ने आज ASP विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपा। 2016 में लव मैरिज की थी और पुराने समय से मैं कई पदों पे रहा हूँ, मेरा परिवार भी कई पदों पे रहा है, मेरी माताजी सरपंच रही है, मेरे पिताजी भी रहे हैं, मैं भी 2-3 पंचायतों का सरपंच रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में मैं 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और तात्कालिक समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2003 में ब्रह्मदेव कुमाऊत की सभा तक मैंने मेरे गाँव में कराई थी और तब से मैं आज तक कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और पार्टी मुझे समय समय पर अलग अलग विधानसभा में प्रभारी का दायित्व देकर भेजती रही है और मैं अभी भी साड़ा का प्रभारी रहा हूँ। गांव में मैं कई मामलों में सरकारी गवाह होने के कारण पंच, सरपंच, CR, DR और यहाँ तक विधानसभा प्रत्याशी रहने के दौरान मैं कई मामलों में सरकारी गवाह हूँ, मेरे परिवार के सदस्य सरकारी गवाह है। इस कारण मुझे जो आरोपित व्यक्ति है उन्होंने बार बार मेरे पर, मेरे परिवार पर हमला किया है, कई बार जानलेवा घटना हुई है और उसके FIR थाना बोराड़ा, आरई, सरवाड़ कई थानों में दर्ज है, जो मैंने और मेरे परिवार ने दर्ज करवाई है उसके मामले विचाराधीन है। और मैंने माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी, मुझे जान माल का गंभीर खतरा है, यहाँ का एक कुख्यात अपराधी जिनका नाम लेने से लोगों को डर लगता है, उस स्वयं ने मेरे घर जाकर के मुझे धमकी दी, उसकी FIR भी बोराड़ा थाने में मैंने दर्ज कराई थी। आज तक पुलिस ने केवल हमें मदद करने के बजाय थोड़ी हमारे से दूरी भी बना के रखी है। जो भी अगर घटना घटित होगी पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, उसका नाम लेके कह रहा हूँ, धन सिंह राठौड़ जो गांव पिपरोली का रहने वाला है, उसके विरुद्ध 2016 में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था। वो एक माना हुआ सरगना है और वो जानलेवा कई बार हमला कर चुका है कई लोगों पे और बार बार मुझे धमकियाँ मिल रही है। कई इंस्टीट्यूटर लोग हैं जो उसके साथ जेल में रह चुके हैं, कई लोग जो जितने भी प्रकरण हैं उनमें आरोपित लोग हैं, उनके परिवार के लोग भी इंस्टीट्यूटर हैं, असामाजिक तत्व है, उन लोगों से मुझे हमेशा जान का खतरा बना रहता है, मेरे परिवार को रहता है। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएँ हुई है कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ, मेरे बच्चों का अपहरण हुआ, कई घटनाएँ घटित हुई। तात्कालिक थानाधिकारी महोदय ने इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है SP साहब को 2/1/2019 को और तात्कालिक SHO ने भी जो भी पदाधीन रहे बोराड़ा में और सरवाड़ में उन्होंने सबने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। उसमें स्पष्ट अंकित है कि मुझे और मेरे परिवार को कुख्यात अपराधियों से एरिए के अंदर जिस प्रकार हम कई पदों पर रहे हैं सरकारी गवाह होने के कारण और राज्य सरकार को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उस पक्ष में हमने खड़ा होकर के सरकार का बचाव किया है और सरकार के हित में हमने काम किया, जनहित के काम किए और सरकार की हमेशा हमने मदद की है, पुलिस प्रशासन की मदद की है। कई मामलों में कई घटनाएं हुई है, अवैध खनन है, अवैध बजरी है, अवैध माफिया है, अवैध शराब है, इन लोगों से हमने मुकाबला किया है और तय दिल से हमने पूरे परिवार ने निडर होकर के मदद की है सरकार की। आज सरकार की योजनाओं तक जन जन तक हमने पहुँचाई है और माने मुख्यमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि अपराधियों से आम नागरिक नहीं डरना चाहिए, लेकिन कारण क्या है? मुझे 2 PSO हमें उपलब्ध कराया था, 1 PSO 24 आवर्स मेरे साथ रहता है, मैं पार्टी काम से बाहर चला जाता हूँ, जनहित के काम से बाहर जाता हूँ और मेरे परिवार में खतरे बना रहता है, डर के साए में जीवन जी रहा है पूरा परिवार।
ये हालात है गांव में, जंगल में रहता हूँ। देखिए एरिए में ये लोग वसूली करते हैं, अवैध हथियारों का धंधा करते हैं। हम लोग वहाँ एक्टिव रहते हैं, सामाजिक तौर पर हमारा दायित्व निभाते हैं, इनको अवैध खनन करने देते नहीं हैं, इनके लोगों को हम असामाजिक गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं और इनके खिलाफ हम बुलंद आवाज़ कर करके एक निडर आवाज़ में हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और इनका विरोध करते हैं। मेरे बोरड़ा क्षेत्र में इसीलिए ये लोग मुझसे नाराज रहते हैं। बोरड़ा 2016 में स्वयं धन सिंह ने मेरे फार्म पे जाकर के मेरे पर जानलेवा हमला किया, उसकी FIR बोरड़ा थाने में दर्ज है। और असामाजिक तत्व जो लोग इनसे मिले हुए हैं, कई बार हमारे पर जानलेवा हमला हुआ, उसकी FIR बोरड़ा थाने में दर्ज है। कार्रवाई उन पे कोर्ट में मामला विचाराधीन है, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो हमें मान्य है। और ADG केकड़ी और सरवाड़ और ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर है। मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा का संचालन कर रहा हूँ। मेरी पत्नी वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस पार्टी की जिला परिषद सदस्य है और मेरी जो पत्नी है वो पहले पंचायत समिति सदस्य भी रही है। और हमने अभी भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी जी के समर्थन में गाँव में एक नेतृत्व करके मैं संचालन किया और मैं 250 किलोमीटर पैदल चला हूँ। अभी शिव मंदिर से माननीय सागर शर्मा हमारे यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उन्होंने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वो यात्रा 250 किलोमीटर चली। इस यात्रा में अवरोध पैदा हो गया, ये लोग आए दिन धमकियां दे रहे। मैंने भारत जोड़ो यात्रा रोक रखी है और मैंने SP साहब को व्यक्तिगत, जब ये बोरड़ा दौरा था, मैंने सहानुभूति तरीके से मेरी बात सुनी और व्यक्तिगत कहा कि साहब मुझे मेरे परिवार को जान माल की धमकियाँ मिल रही है और आप मुझे एक PSO और घर पर परिजनों की सुरक्षा बाबत उपलब्ध करा दें ताकि मेरे साथ न्याय होगा। और मैंने आज भी SP साहब से यहाँ मिला हूँ, विकास सागवान जी से, और इन्होंने मेरी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी है। माने मुख्यमंत्री महोदय के, माने SCS साहब के, IG साहब के ऑर्डर्स मैंने अभी विभाग को उपलब्ध कराए हैं और पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जिस प्रकार हम भी गाँव में पुलिस का सहयोग करते हैं, एक आम नागरिक के तौर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी मुझे आश्वासन दिया है और मुझे उम्मीद है, और एक पत्रकार महोदय से भी मुझे उम्मीद है। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।